ॐ गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की कथा। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ गवाकर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञात वर्ष पर जा रहे थे। इस समय वनवास के समय ही धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदस्व ने नल दमयंती की कथा सुनाई। मिसार देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की। 3 पुत्र दम, दान और दमन एवं 1 दमयंती नाम की कन्या। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निसद्देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराजा नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समझ करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आ गए। नल भी स्वयंवर में जा रहे थे। देवताओं ने उसे रोक कर कहा कि वो स्वयंवर में न जाएं। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आँखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आँखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नवदंपत्ति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से 1 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य लोग थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में
अपना सर्वस्व हार गए थे। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहना है, यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं, तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढक कर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बिचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। दैवयोग से भटकते हुए उस समय दमयंती को महर्षि सर्वभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सर्वभंग मुनि बोले, दमयंती भादो की चौथ को एक दिन गजानन की पूजा करो। तुम भक्ति और श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। दमयंती भादो के गणेश चौथ का व्रत आरंभ की। 7 मास में ही अपने पति को प्राप्त की और दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। हे विघ्न विनाशक गजानन महाराज, जैसे आपने नल दमयंती के दुखों का नाश किया, वैसे सभी के दुखों का करना नाश।